हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप आप सब लोग अपने घरों में सेफ हो। और सॉरी, हम लोगों ने बहुत टाइम से कुछ वीडियो नहीं बनाए थे क्योंकि हम लोग हमारे नए प्रोजेक्ट्स के अंदर बिजी थे इस वजह से। बट हम लोग बहुत जल्दी बहुत सारे वीडियोस ला रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग हमारे घर पे हैं। ये वीडियो हम लोग कोरोना के अवेयरनेस के लिए बना रहे हैं। कल ये न्यूज में हम लोगों ने देखा कि सभी अपने जो मतलब सिटीज में बॉम्बे है, सूरत है, राजकोट है, बड़ोदा है, सब अपने अपने गांव जा रहे हैं क्योंकि सब लोग ये सोच रहे हैं कि भाई यहाँ रह के सेफ नहीं है तो अपने गांव चले जा रहे, ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा प्लीज ट्रैवलिंग मत कीजिए और अपने अपने घरों में ही रहिए। सारी जो भी चीजें है वो अपने सबको मिल जाएगी, ऐसा कुछ कल हम लोगों के रिलेटिव्स के भी कॉल आए थे कि आप प्लीज बाहर जाओ, मतलब अपने गांव चले जाना क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट हुआ है, इसलिए लोग भाग रहे हैं। तो हम लोगों ने भी आज उनको कॉल करके बोला, बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों को बोला कि भाई वहां पे मत जाइए क्योंकि ये हम लोगों को नहीं पता है कि वायरस हम लोगों के आसपास कहां पे है, और वहां पे भी हम जाएंगे तो उन लोगों को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और गांव में जाएंगे तो ज्यादा वहां पे हॉस्पिटल्स और वो सारी चीज की फैसिलिटीज नहीं है जो हमारे सिटीज में है। तो मेन हम लोगों का ये बोलने का है क्योंकि कल हम लोगों को रात को भी नींद नहीं आई क्योंकि हमने ये बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे कि लोग जा रहे हैं, हाईवे पे बहुत ट्रैफिक है और भाग रहे हैं यहाँ से। इसलिए हम लोग आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे वीडियो के थ्रू कि आप लोग बाहर जाना अवॉइड करिए, और हो सकता है तो प्लीज अपने घरों में ही रहिए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत सेफ्टी है। और गवर्नमेंट भी मतलब हमारी जो है वो यही बोल रही है, सिर्फ सिंपल है अपने को ध्यान रखना है और अपनी सेल्फ को आइसोलेटेड करना है घर में रह के। बाहर घूमने से और बाहर निकलने से और ट्रैवलिंग करने से और मतलब गांव चले जाने से कोई फायदा नहीं है, घर में रहिए, सेफ रहिए। और गवर्नमेंट अपने को इतना सपोर्ट कर रही है तो हम लोगों को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, और ये हमारी सेफ्टी के लिए है और हमारे के आसपास के जो लोग हैं उन लोगों की सेफ्टी के लिए ये हमें समझना पड़ेगा। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग अपने घरों पे रह के बहुत सारे एक्टिविटीज कर सकते हैं, और रेगुलर लाइफ में हम लोग बहुत सारे बहाने मारते हैं कि ये टाइम नहीं है हमारे पास, हम लोग फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, इसलिए ये बहुत ही अच्छा मौका है घर पे रहने का। और जो भी लोग अपने फील्ड में हो, जो भी फोटोग्राफी करते हो, या हम लोग क्रिएटिव आर्टिस्ट है तो हम लोग पेंटिंग्स बनाते हैं। यस्टरडे हम लोगों ने बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया, एंड एक हमारा एक नया कलेक्शन आ रहा है फैशन को लेके, तो वो उसके ऊपर काम किया। फिर हस्बैंड लोग खाना बनाना भी सीख सकते हैं क्योंकि गरिमा से शौक है लेकिन बनाते नहीं, तो ये सब मतलब टाइम का यूज कर सकते हैं अपने कुछ। और बहुत सारे ऐसे हैं कि इंजीनियर है और बहुत अलग अलग फील्ड में है, तो कुछ म्यूजिक के रिलेटेड आप कुछ वीडियोस बनाइए, और ये सारी चीजें हम लोग अभी करें क्योंकि हम लोग अभी खुद के लिए टाइम निकाल रहे हैं। तो प्लीज घर पे रह के आइसोलेट करके हम लोग ये सारी एक्टिविटीज करें जिससे हम लोग बहुत सेफ रह सकते हैं। लोगों के आजू बाजू हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग और रिलेटिव्स लोग रहते हैं, तो हम लोगों ने सबको बोल दिया है कि प्लीज़ आप अपने घर में ही रहिए। और हम लोग फ़ोन से या फिर हम लोग फ़ोन में भी गेम्स से एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो ये सब बाहर जाना और मिलना और सब गैदरिंग करना, वो सारी चीज़ें हैं वो हम लोग अवॉइड करें। और अगर हम लोग बाहर जाते हैं कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मिल्क है, वेजिटेबल्स है या ग्रोसरी है, तो एक दो दिन का ही स्टोर करिए और वहाँ पे भी ज़्यादा रश मत करिए। और घर पे वापस आते हैं तो हम वो सारी चीज़ लेके आए उनको एक बार साफ करें, खुद अपने हाथ धोए, या फिर पॉसिबल होता है तो प्लीज़ नहाने का रखिए। और मेडिकल की सारी चीज़ें भी बाहर अवेलेबल है क्योंकि गवर्नमेंट ने उन सब लोगों को बोला है कि वो सारी चीज़ शॉप है वो ओपन रख सकते हैं, तो वो भी अवेलेबल है। तो प्लीज़ आप इतना ज़्यादा टेंशन मत रहिए कि जाना है, लेना है, रखना है अपने पास, सब दो तीन दिन की सारी चीज़ें आप अपने पास स्टोर करके रखिए। सोशल मीडिया में बहुत सारी नेगेटिव और फेक चीज़ें वायरल हो रही है ये कोरोना को लेके, तो प्लीज़ आप सब लोग वो सारी चीज़ों को शेयर मत करिएगा एंड फॉरवर्ड मत कीजिए, क्योंकि यस्टरडे हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे भी पास आई हुई थी कि ऐसा हुआ है, ये गलत हो गया, वहाँ जाके आप दवाई ले सकते हो, कोरोना की कोई दवाई अभी तक निकली नहीं है, तो प्लीज़ आप वो सारी चीज़ों को मत मानिए। पर आपको हमारी ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लोगों को शेयर कीजिए और अवेयरनेस फैलाइए। और बस लास्ट में ये कि अपने गवर्नमेंट को घर पे रह के ही सपोर्ट कीजिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।